हेलो एवरीवन। तो टुडेज क्वेश्चन इज ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको 16 बिट सिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर गिवन है और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ क्लॉक है और दो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उनको और गेट से पास किया गया और आउटपुट वाई फॉर्म किया गया है। और अब ये देखा उसमें आउटपुट में कि जो आउटपुट है आपका 24 मिली सेकेंड के लिए हाई है पूरे एक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आपको क्लॉक फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, ये तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये अपना बाइनरी अप काउंटर होगा, मतलब 16 बिट का है तो ये इस हिसाब से आउटपुट देगा आपको। तो आउटपुट वो क्या क्या देगा, 000 फिर 001 इस तरह करता जाएगा और लास्ट में 1111 तक जाएगा। तो मतलब ये वाला आउटपुट आपको कितने टाइम बाद मिलता है, 1/f क्लॉक बाद मिलता है ना। देखो जैसे बाइनरी अप काउंटर है आपका, तो ये आपकी क्लॉक है और मान लो वो पॉजिटिव एज भी हो सकता है, नेगेटिव एज भी हो सकता है। अपने पॉजिटिव एज मान लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव एज है तो इन इन पे ट्रिगर करेगा। मान लो 00 स्टार्ट हो, पहले आपका आउटपुट 00 है, उसके बाद पहली वाली पे आपको 1 दे देगा, फिर आगे 0। मतलब जिस तरह भी काम करा हो आपने, जिस तरह काउंटर बनाओ कि इसी तरह बनाओ, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाया हो। जैसे मान लो आपने 16 डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके काउंटर बनाया हो, तो बेसिकली ये काउंट क्या करेगा, पहले 0, नेक्स्ट इज 1, फिर 2, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2 to the power 16 तक। 16 बिट का है तो यहाँ तक काउंट करेगा। फिर अब अपने बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसकी दो बिट्स को, सॉरी, और गेट में डाल रहे हैं, ठीक है, A15 और A14 को आउटपुट वाई है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि आउटपुट वाई 24 मिली सेकेंड के लिए हाई आ रहा है। तो अब अपने ये निकाल, ये पता कर लें कि ये 2 to the power 16 कॉम्बिनेशन में इसमें से कितने कॉम्बिनेशन है जिसके लिए आउटपुट आपका हाई आता हो, ठीक है। और उतने को मान लो एक्स टाइम आता हो और उतने कॉम्बिनेशन को अपने टी से मल्टीप्लाई कर दें, टी क्लॉक से, और उसको 24 मिली सेकेंड के इक्वल रख दें, तो यहाँ से टी क्लॉक निकल जाएगा। देखो कैसे कि देखो एक साइकिल में आपको टी क्लॉक टाइम लगता है, इसको मैं टी क्लॉक बोल रहा हूँ। तो जितनी बार भी आपका आउटपुट वाई हाई आ रहा है, ये कैसे आएगा वो अपने देखेंगे, जितनी बार भी आपका आउटपुट वाई हाई आ रहा है तो मतलब आपको उतने क्लॉक साइकिल लगे होंगे। मतलब मान लो इसमें आपका, आपको बता आपका आउटपुट हाई आएगा, और मान लो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कोई 011, आपको इसमें इसमें बताया हाई आएगा, तो आपको इस वाली कंडीशन से इधर आने के लिए टी क्लॉक टाइम लगा होगा। तो हर हर एक नया आउटपुट लेने के लिए आपको टी क्लॉक टाइम लग रहा है, तो इतने आउटपुट लेने के लिए आपको एक्स इंटू टी क्लॉक टाइम लगेगा और उसको आप 24 मिली सेकेंड के लिए इक्वल रख दोगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो वाई आउटपुट है वो ईच पीरियड में, हर एक पीरियड में 24 मिली सेकेंड के बाद हाई है, 24 मिली सेकेंड के लिए हाई है। और पीरियोडिक ये किससे होगा, मतलब पहले 2 to the power 16 टाइम वाई आउटपुट सेम आएगा, फिर नेक्स्ट 2 to the power 16 टाइम वाई आउटपुट सेम आएगा, फिर नेक्स्ट सेम आएगा, इसी तरह चलेगा काउंटर, ऐसे चलता है। अब ये 16 बिट का है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देना टफ, आप 4 बिट के काउंटर से इसको सोच सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो x इंटू टी क्लॉक 24 मिली सेकेंड के इक्वल आएगा। अब बात है x निकालना, मतलब कितने टाइम के लिए, मतलब कितने कॉम्बिनेशन होंगे ऐसे जिसके लिए आपका आउटपुट y हाई होगा, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है और गेट के को हाई करने के लिए क्या चाहिए, 0110 या फिर 11। अब मैं पहले तो 2 बिट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो 2 बिट में, देखो 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं, 4। तो 4 कॉम्बिनेशन बनाओ, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आप अपने अपने पास 2 बिट काउंटर होता और अपने 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और करते, 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और गेट में से पास करवाते, तो देखो यहाँ पे आउटपुट आई जाता, यहाँ पे आई जाता, यहाँ पे आई जाता, तो 3 टाइम्स आई जाता, ठीक है। अगर 3 बिट का होता तो 3 बिट, ठीक है, 4 times 0 4 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1,
1 × 0 1 × 1 1 × 0 1 × 1 1 × 1 ये कॉम्बिनेशन थे। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे साइज यहाँ ही आएगा। 4 बिट में भी आप करके देख सकते हो। तो बेसिकली अपने करते क्या है कि जैसे कितने भी बिट का काउंटर हो, मान लो एन बिट का हो, ठीक है, तो अपने को पूरे कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन होंगे इसके, ठीक है। और फिर अपने क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 3 बिट का था तो 8 कॉम्बिनेशन थे, 8 को 2 से डिवाइड किया, उतनी बार 0 लिखते हैं, ठीक है, फिर उतनी बार ही 1 लिखते हैं, फिर वापस 2 से डिवाइड करते हैं। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 आया था, 4 बार 0 लिखा 4 बार, अब इसको वापस 2 से डिवाइड किया तो फिर 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा। तो सेम अपने ऐसा ही करेंगे, अपना 16 बिट का है, अपना कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 2 टू द पावर 16। अपने इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 टू द पावर 15 टाइम्स अपने 0 लिखेंगे, 2 टू द पावर 15 टाइम्स 1 लिखेंगे, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द पावर 14 टाइम्स 0 लिखेंगे, 2 टू द पावर 14 टाइम्स 1 लिखेंगे, फिर 2 टू द पावर 14 टाइम्स 0 लिखेंगे, फिर 2 टू द पावर 14 टाइम्स 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तो केवल ये जो ऊपर वाली कंडीशन है उस वाली कंडीशन में ही आपका आउटपुट 0 है, आगे वाले में आउटपुट 1 है। तो जैसे आप 2 टू द पावर 15 टाइम्स आप 0 लिख दोगे, ठीक है, पहले यहाँ पे, फिर आप 2 टू द पावर 14 टाइम 0 लिखोगे, उसके बाद 1 लिखोगे, तो ये जो इतना कॉम्बिनेशन था ना वो ही आपको 0 आउटपुट दे रहा था। तो ये इतना कॉम्बिनेशन क्या था, 2 टू द पावर 14 था। बोलो ये बात समझ में आ रही है। देखो 3 बिट का था, जैसे 2 टू द पावर 3 था, आपने 2 से डिवाइड किया, 4 बार 0 लिखा और 4 बार 1 लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा। तो बेसिकली आप आपने जो दूसरे टाइम डिवाइड किया उतनी बार ही आपका आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टू द पावर n-2 टाइम्स आपका आउटपुट 0 आता है, और टाइम्स आपका आउटपुट 1 आएगा, अगर आप 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और करते हो तो, और गेट से पास करते हो तो 2 टू द पावर 16 माइनस 2 टू द पावर 14 इतने टाइम्स आपका आउटपुट 1 है, ठीक है। और इसके लिए आपको कितने क्लॉक लगेंगे, इतने क्लॉक लगेंगे, 2 टू द पावर 16 माइनस 2 टू द पावर 14 इतने क्लॉक लगेंगे, और इसको आप किसके इक्वल रख दोगे, 24 मिली सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हो, क्या आएगा, 3 × 2 टू द पावर 14 टी क्लॉक इक्वल्स टू 24 मिली सेकेंड। सो अब आपको एफ क्लॉक निकालना था, सो एफ क्लॉक आ गया आपका 3 × 2 टू द पावर 14 अपॉन 24 3 × 2 टू द पावर 14 अपॉन 24 × 10 टू द पावर -3। तो ये आएगा 2.048 MHz, जहां तक मेरे को याद है, मैं वापस कैलकुलेशन कर लेता हूँ। हाँ तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। अपन को 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और गेट में, और गेट से पास करवाना था, अपन अपन को ये पता दिया हुआ था 16 बिट सिंक्रोनस अब काउंटर था। इसका मतलब हर क्लॉक में आपका आउटपुट 1 से इंक्रीज होता है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, ऐसे बढ़ता जाता है, 2 टू पावर 16 तक जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको आपके जितने टाइम्स भी आउटपुट 1 है उतने टाइम्स आप टी क्लॉक कर दोगे तो वो 24 मिली सेकंड के इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि इतने टाइम के लिए आपका आउटपुट हाई रहता है एज पर क्वेश्चन इन 1 पीरियड, ठीक है। तो आपने फिर आपने ये वाली चीज देखी, इसको ये तो खुद से सोचने वाली बात है पूरी, बस एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको कि 2 टू पावर n/2 फिर वापिस /2, मतलब 2 टू पावर n/2² इतने टाइम्स तक आपका आउटपुट 0 रहता है और रेस्ट टाइम आपका आउटपुट हाई रहता है। तो अपने केस में 2 टू पावर 16 माइनस 2 टू पावर 14 टाइम्स तक आपका आउटपुट हाई था, रेस्ट टाइम लो था, तो हाई के लिए अपन ने ये कंडीशन निकली और उसको इक्वल कर दिया 24 मिलीसेकंड, तो यहाँ से आपका एफ क्लॉक आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ओके, थैंक यू।